जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके तार बहराइच से जुड़ रहे हैं, जो फरार है वो भी यूपी का रहने वाला है, जिसका नाम शिव कुमार बताया जा रहा है। हम सीधा रुक कर रहे हैं बहराइच का, जहां पर हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, यहां पर क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि दो आरोपी हैं उन्हें लेकर अभी ये जानकारी मिली है कि वो यूपी के रहने वाले हैं और उनके घर वालों को जानकारी तक नहीं थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, झूठ बोलकर निकले। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, मैं बहराइच में हूँ, गंडारा गांव है। इसी गांव के दो आरोपी थे, धर्मराज और शिव कुमार या शिवा। और ये धर्मराज का घर है, आप देखिए कि उनके माता पिता जो हैं, जिस वक्त माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है और पिता हैं, उनके दोस्त भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। चाचा, आप लोग को कुछ अंदाज़ा था कि आपका बेटा पुणे से मुंबई चला गया, क्या हुआ था? नहीं पता साहब हमको, हम कोई पता नहीं साहब। कब बात हुई थी लास्ट में आप? यहाँ घर पर था, हमसे कोई बातें ही नहीं हुई। फोन उन पे कब बात होती थी? कभी नहीं बात हुआ हमसे। कब यहाँ से गया था? 2-3 महीना होगा साहब, मतलब लिखे पड़े तो हम नहीं, अंदाजा 2-3 महीना यहाँ से गया है। जाने के बाद कभी बात बात नहीं? कोई बात नहीं। क्या करने गया था वहाँ? अभी लोग बतावत रहा कि वो कूड़ा उड़ा बीनने, कूड़ा काम करता है। तो कैसे आज आपको पता चला? अभी पता चला हमको, कहाँ हम आँखें खुला रहा तो दवा अल्लाह वगैरह, दवा नहीं मिली तो इधर भीड़ बहुत रही, तो भी पता चला कि हाँ उधर ना जाओ, उधर चले गए तो उधर पुलिस आई थी आपके? हमारे पास नहीं आई साहब, अम्मा के पास यहाँ आई हूँ। अम्मा कहाँ पूछे पुलिस वाले? पुलिस वाले सुबह आए तो कहीं तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो हम कहा हमारा लड़का पूना में है, तो कहीं नहीं बम्बई में है, तो हम कहा हम पूना कहीं के गवा रहा, पता नहीं बम्बई में कि पूना में, हम नहीं जानी थे। तो बाप के नाम पूछी तो बतावा, अपन नाम बतावा। क्या नाम है लड़का? धर्मराज। धर्मराज यहाँ से कमाने गया था? हाँ, कमाई गया रहा। पैसा भेजता था? अभी 2-3 महीना भाई हम पैसा नहीं मांगे थे, लड़का हमारे मंजूरी एक नई ब्याह भाई है, वह कपड़ा दुकान पर मंजूरी करत है, जो वह करत है वह खाई था। ब्याह हो गए? 3 के हो गया, 2 के अभी नहीं हुआ। धर्मराज का हो गया कि नहीं? सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा बच्चा है। अभी पुलिस वाले आके पूछताछ करके गए हैं? हाँ, सुबेरे ना आए रहा एक दिए, नहीं तो लो हो जाई। तो वो आप लोग से बताया था ना पुणे गया है? हाँ, वो पुणे बताया गया, बम्बई चला गया। हाँ, बम्बई भैया हमसे नहीं बताई नहीं कब बम्बई चले गए, हमसे तो बात हो रहा 20 दिन हुई गवा, तो कहीं हम बम्बई में ही नहीं, हम पूना में ही हैं, हम दीपावली में ही नहीं बा। अच्छा, शिवा से दोस्ती थी? उनसे दोस्ती थी, मिले हुई दीपावली को क्या होली के बाद में चले गए, अभी 2-3 महीना वही गवा है। तो ये बताइए, शिवा लेके गया था कि ये शिवा को? हाँ, शिवा नहीं ले गया, शिवा पहले चले गया है, बाद में गया है, कोनो पचम्भा गिर गवारा हूँ, इनके साथ ही गया है, यहाँ तो बेग झोरा लेके अकेले न गया। तो दोनों साथ रहते थे वहाँ? अब हुआ साथ राहत रहे हुई हैं, अब घरे रहें तो कुछ कही देखी, बाहर हम का जनी का करते हैं भैया, हमका का पता। अपनी गलती से आप लोग को फंसा दिया? अरे भैया, हमरे भैया को बचा दो, कोनो मेर का खरी हमरे राय सब नहीं हो। खाओ तो भैया, एक गलती करके आप लोग को परेशानी में डाल दी। हाँ, परेशानी में तो डाल दें। तो देखिए, तबीयत खराब है, स्थिति ये है कि बेटे की गलती की सजा जिस तरह से माँ बाप भुगत रहे, और जरा आर्थिक स्थिति देखना हो तो इस घर को देखिए, ये आवास वाला है, प्रधानमंत्री आवास वाला। आवास वाला है। आप क्या करते हैं? मछली जी बेच रहा साहब, 3 साल होगा आँखें खराब हो गए, तब से मछली बेच के गुजारा करते हैं। तो जरा इस बेचे 3 साल होगा नहीं बेचे थे कुछ, तो इस घर को आप देखिए और समझिए कि किस तरह से एक गरीब परिवार जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर मिला हुआ है, और इस घर में रह करके जब उसको यहाँ कुछ अच्छा काम नहीं मिला तो पुणे में कुछ कबाड़ का काम करने होली के 8 दिन बाद जो धर्मराज है वो यहाँ से निकला, और निकल करके पिता से तो बात ही नहीं करता था, माँ से 20 दिन पहले बात हुई तो उसने कहा कि वो पुणे में है, उसके बाद घर वालों को कुछ पता पता नहीं, और जब घटना घट गई, पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की और पुलिस यहाँ पहुँची, तब
घर वालों को पता चला कि बेटे ने एक कांड कर दिया है, एक ऐसा काम कर दिया है जिससे न सिर्फ बेटा फंसा बल्कि परिवार भी इस वक्त परेशान है। और इस हालत में जो माँ हैं वो दवा खा रही हैं और पिता हलकान हो गए हैं कि आखिर वो करें तो आखिर करें क्या। बिल्कुल रणवीर, और माता पिता की हालत जिस तरह से आपसे बातचीत में जो सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद परेशान करने वाली है कि उन्हें जानकारी तक नहीं थी कि बेटा कहाँ है, क्या चला गया, और अब वो बेहद घबराए हुए हैं क्योंकि उनके लिए समझ पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है कि ये हुआ क्या है और अब उन्हें आगे करना क्या है, क्योंकि पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है और उन्हें जानकारी यहाँ पर नहीं है। तो कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाने का ये जो लालच था ये इन लोगों को कम उम्र में यहाँ तक ले आया और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जिस तरह की जानकारी मिल रही है उससे जुड़े